हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपशिखा लाइफ स्टाइल। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, चाय वगैरह मैंने पी लिया है, देख सकते हैं आप लोग। मुझे अभी मतलब दूध का चाय नहीं पीना है, तो ब्लैक टी ही पीती हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में रोटी सब्जी ये खा लेती हूँ, जो कि मैंने थोड़ा सा सोचा कि आप सबको दिखा दूँ सिंपल सा। तो उसके बाद बेबी का जो मालिश होने के बाद उसको थोड़ा सा रेडी करा दिया, उसको मालिश वगैरह होने के बाद। तो यहाँ पे उसको रेडी करा देने के बाद मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी। मैं भी थोड़ा सा मतलब हाथ मुँह धो के उसके बाद अब मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो फिर वैसे ही दिन भर अच्छा नहीं लगता है। और डॉक्टर का सलाह है मतलब मुझे डेली नहीं नहाना है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मतलब गैप करके नहाती हूँ ऑपरेशन के लिए। तो अभी थोड़ा सा वही थोड़ा बहुत रेडी हो जाती हूँ, बिंदी वगैरह वही, कोई कुछ ज़्यादा खास नहीं। और उसके बाद जो है बेबी का कपड़े वगैरह जो बाहर रखे गए थे तो वो सब सूख गए थे, तो सोचा कि बैठ बैठ के इन सब को अच्छे से ठीक करके रख दूँ, नहीं तो इससे बेसी पड़े रहते हैं। तो सोचा कि अभी थोड़ा बहुत बैठ सकती हूँ, तो अभी बैठ बैठ के ये सब ही काम कर लेती हूँ। और थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, थोड़ा अपना शरीर को जितना फ्री करूँगी तभी मैं ठीक हो पाऊँगी, जल्दी रिकवर कर पाऊँगी। तो वही है। तो बता, सब कपड़े वाश करने के बाद जो है ये आ गया मेरा लंच, और ये ज़्यादातर ये सगीला भात या फिर खिचड़ी इस टाइप का खाना ही अभी मैं खा रही हूँ, कभी कभी भात भी खा लेती हूँ, वही बस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज मेरा डिलीवरी का हो चुका है 15 डेज, और हालात अभी तक उतना मतलब थोड़ा बहुत सुधरा है, उतना नहीं सुधरा है। और जैसे कि पहले आप सबको मैंने बताया, तो मुझे बताना था कि मेरा जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुआ है या सी सेक्शन। तो मेरा जो डिलीवरी है वो हुआ है सी सेक्शन। ऐसे तो सब कुछ नॉर्मल ही था, बट लास्ट टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ है। और क्यों हुआ है, क्या हुआ है, उस वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। मैं पहले फ़िलहाल ठीक हो जाती हूँ अच्छे से, फिर मैं बताऊंगी कि सी सेक्शन वगैरह क्यों हुआ नहीं हुआ। तो फ़िलहाल तो मैं आप सबको यही बताना चाहती थी कि मेरा सी सेक्शन हुआ है, इसीलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मतलब बेबी को लेने में। और जैसे कि जिन जिनका सी सेक्शन हुआ होगा उनको पता ही होगा कि प्रॉब्लम होता है गोद में बच्चे को उठाने में, और सब कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मुझे भी वही सब प्रॉब्लम हो रहा है, और थोड़ा चलने वगैरह में वो सब प्रॉब्लम हो रहा है। बहुतों का बहुत जल्दी जल्दी रिकवर हो जाता है, बट सबका सेम भी नहीं होता है। तो मेरा भी क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा मतलब ठीक हुआ है ये भी नहीं बोल सकती, नहीं हुआ है ये भी नहीं बोल सकती। लगभग थोड़ा बहुत है, पेन वगैरह तो होता ही रहता है, और कभी कभी बीच बीच में ऐसा मतलब पेन होता है तब मुझे मेडिसिन वगैरह लेना पड़ता है। तो बहुत ही इसी सेक्शन का जो जर्नी था बहुत ही मतलब दर्दनाक था, और मतलब जैसा होता है सबका नॉर्मली, तो वैसे ही मेरे साथ भी था। लाइफ में इससे पहले इतना बड़ा कटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था बॉडी में, तो पहला बार इतना बड़ा कुछ कट हुआ है, तो उसका दर्द तो लेना ही है। और कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपनी बेटी के लिए उतना, हाँ एक बेबी के लिए उतना करना पड़ा। तो कोई नहीं, हाँ आजकल होता है, नॉर्मल बात है, बट दर्द तो फिलहाल रहेगा ही। फिलहाल कुछ दिन, तो 2-3 महीने जब तक रिकवर नहीं हो जाती हूँ अच्छे से, तब तक थोड़ा सा डाउन सा रहेगा ही। उसके बाद शायद मैं ठीक हो जाऊँ, उसके बाद शायद मुझे अच्छा लगने लगे। तो वो सब मैं टाइम के साथ साथ अपडेट करती रहूँगी, कैसे रिकवर में होती हूँ नहीं वैसे कुछ। तो आगे भी ऐसे बेबी से जुड़े हुए, मेरे से जुड़े हुए वीडियोस ऐसे ही मैं देती रहूँगी जब जब मेरे से पॉसिबल होगा। और ये वीडियो मैं कितने दिन से मतलब एडिटिंग कर रही हूँ बट अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, कर रही हूँ कब से ही दूँगी। तो और बेबी यहाँ पे सोया हुआ है, बेबी सोया हुआ है तभी मैं ये
बेबी सोया है बोल के मैं अभी वीडियो बनाने बैठी हूँ, वरना तो नहीं होता है। और क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद भी सीख रही हूँ, न्यूली मदर बनी हूँ तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है, मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता, मेरे लिए भी सब कुछ नया है, तो इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। तो देखती हूँ कब तक मैं एडजस्ट हो जाती हूँ सब चीज़ों के साथ। फिलहाल तो लाइफ में यही सब चल रहा है, बेबी के साथ 24 घंटा लगे रहो, बस वही चल रहा है। और जैसे कि मेरे से और बेबी से जुड़े हुए वीडियोस वगैरह मैं देती रहूँगी, तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। हाँ, इतना प्रॉब्लम फेस करके भी आप सबके लिए थोड़ा बहुत वीडियोस बना रही हूँ, ताकि मेरे जैसा जिसका भी सी सेक्शन हुआ उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिले वो सोच के। तो अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ न्यू एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।